हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। जैसा कि 5 दिन पहले ये क्लियर हो ही चुका था कि बहुत जल्द आप लोगों की ये वैकेंसी आने वाली है, और एक नोटिस जो है सर्कुलेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मेरे पास भी मैसेज आए कि सर ये सच है कि या नहीं है। और उससे पहले ये नोटिस हमारे ऑफिशियल ग्रुप पर भी आ चुका था, क्योंकि आपको तो पता ही है डिपार्टमेंट में हैं हम, तो हमारे डिपार्टमेंटल के जो ग्रुप्स बने हुए वहाँ पर भी ये जो है मैसेज अभी सर्कुलेट हुआ है। तो 99.9% चीज़ें सच हैं, और यही डेट रखी गई है क्योंकि इसको लेकर हलचल चल गई है और हमें भी इसका नोटिस मिल चुका है। तो सच तो है, और समय भी आप लोगों के पास बहुत कम मिलेगा, तो अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर आगे कोई चेंजेस नहीं हुए और एज पर नोटिस यही चीजें चली और सारी चीजें हैं, तो एक ही शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा, और 11 फेब को आप लोगों का ये एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपके पास 40 दिन के आसपास है, 10 दिन उधर और 30 दिन उधर, ये समझ के चलिए। अगर मान से चलो जोड़ के चले, आपके पास 50 दिन मुश्किल से हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है कि 11 फरवरी को जो है पूरे प्रदेश में एक ही पाली में, यानी कि अलग अलग नहीं होगा, एक ही पाली में ये परीक्षा कराई जाने की पूरी उम्मीद है कि आपको एक ही पाली में एग्जाम हो, ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और ये नोटिस जो है सर्कुलेट हुआ है, तो 11 फरवरी को इसकी ध्यान में रखते हुए मैं अब डेली टारगेट्स देना स्टार्ट करूंगा। जो ग्रुप्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन पर क्लिक करके प्लीज ज्वाइन कर लो। अगर आप ये एग्जाम को क्रैक करना है, किसी कोर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना इन 30-40 दिनों के अंदर। अगर आप सोच रहे होगे कि मैं किसी का कोर्स ले लूं और 40 दिनों में कोर्स से मैं चीजें कंप्लीट करूंगा, तो भाई पैसा बर्बाद होगा ना, तैयारी होगी। ये 40 दिन सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस रखना, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। इस वजह से अगर 3-4 महीने होते आप कोर्स ले लेते, अपने चीजें कवर करते, लेकिन 40 दिन के अंदर, इसलिए बोल रहा था मैं पहले से 4 महीने पहले से कि तैयारी करते रहो, पता नहीं कब निकाल दे, कब निकाल दे। आप लोग तैयारी में रहो, टच में रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना सब्जेक्ट खत्म करो, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अभी भी आप 10 दिनों के अंदर अपना पूरा हिंदी खत्म कर सकते हैं। वीडियोज का लिंक मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। बस अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे पास मेरे जो हिंदी के बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि आपके ऐसे ही एग्जाम, चाहे वो DSSSB हो, यूपी पुलिस हो, SSC GDO, सब में काम आएंगे। ये मेरा नंबर है 7827034344। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर दो। सिर्फ 99 रुपीज में आप लोगों को वो हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जी हाँ, केवल सिर्फ 99 रुपीज में आप उनका PDF निकाल लेना और उनको पढ़ लो। 10 दिनों के अंदर आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अब यही टारगेट आपको बनाना होगा, ठीक है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दो चीजें आप लोगों को करना होगा। एक तो आपका हिंदी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में लगभग 37 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, ठीक है। दूसरा रीजनिंग। रीजनिंग में क्यों बोलता हूं मैं, रीजनिंग इस एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में 15 से 16 सवाल पूछता है, 53 के आसपास जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों के वो रीजनिंग से होंगे, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो देखिएगा ये लगभग 90 सवाल है, और 90 सवाल अगर आप सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जी हाँ, यूपी पुलिस में। तो इन दो सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर लो, उसके बाद वो मैं सारी चीजें कवर कराऊंगा। डेली रात को 9 बजे आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा कि अगले दिन क्या पढ़ो। आपका अभी प्लान मैंने लंबे समय तक के लिए बनाया था, लेकिन आज मुझे उसको रिशेड्यूल करना पड़ेगा, उस प्लान को रिशेड्यूल करके कि किस तरीके से आप 40 दिनों में सारी चीजें कवर करेंगे, किस तरीके से कितनी चीजें आप एक दिन में पढ़ेंगे और कितने घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा उस आज रात को 9 बजे। तो लगभग अब आप लोगों का प्लान जो होगा कम से कम 10 से 11 घंटे, 10 घंटे तो कम से कम जो स्टूडेंट पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। और कितना समय किस सब्जेक्ट को देना होगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरा अभी भी यही रहेगा कि हम हिंदी कंप्लीट कर लें, इस सब्जेक्ट को जल्दी से खत्म करें, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है। और ये सब्जेक्ट खत्म हो गया तो दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग में पहले से ही अगर मैं आज भी आप लोगों को इस एग्जाम का रीजनिंग पढ़ाऊं, तो आप लगभग 60% क्वेश्चंस ठीक कर देंगे। हमें काम करना है वो 40% क्वेश्चंस पे जो हमसे सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो 40% क्वेश्चंस पे जब हम काम करेंगे तो हमारा रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको एडवांस लेवल का मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, छठी से लेके 8वीं 9वीं तक का जो मैथ्स आता है, जी हाँ, छठी से लेके 9वीं तक का जो मैथ्स आता है अर्थमेटिक, वही आपके इस एग्जाम में आता है, और बहुत सवाल आते हैं, हलवा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
वो आपको कवर करना है और जीके साथ ही आपको कवर करना है। तो 11 फरवरी है, टाइम टेबल बनाओ, बाकी मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। और तैयार हो जाओ यार, नोटिस आ चुका है, हमारे ऑफिशियल ग्रुप पर भी ये नोटिस है, वहीं से मैं इस नोटिस को उठा के आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत की है। तो जल्दी से मेहनत करना स्टार्ट करो और दूसरों को बताओ, जो आप लोगों के यार रिश्तेदार है सबको जो एग्जाम देना चाहते हैं तैयारी शुरू करें। और एज का रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाले 6 से 7 दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। और जो लोग एसआई के लिए भी एग्जाम देना चाहते हैं, एसआई का, यूपीएसआई का, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, अभी बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में, उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा वरना। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।